Welcome to Mortal Craft Hub. I'm Gulshir, a passionate 3D modeler with over 3 years of experience in the 3D industry. On this channel, I'll be your guide to the exciting world of 3D modeling. Join me as we explore, create, and learn together. Let's dive in. अस्सलामुअलैकुम, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और ट्यूटोरियल जिसके अंदर आज हम सीखेंगे हाउ टू मॉडल अ चेस पीस इन ब्लेंडर। ये हमारा एक रेफरेंस है, ठीक है। इस रेफरेंस को हम लेकर आ जाते हैं ब्लेंडर के अंदर। और ये हमारा रेफरेंस आ चुका है। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको मॉडल करने के लिए एक सर्कल लेते हैं, उसके हिसाब से उसको मॉडलिंग करते हैं। मैं आपके लिए एक और टेक्निक लेकर आया, इंतहाई सिंपल है और मॉड्यूलर टेक्निक है। उसमें आप मसीज चेंजेस भी कर सकते हैं बाद में। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने रेफरेंस को ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। अब शिफ्ट ए प्रेस करके मैश सेलेक्ट करेंगे। मैश में जाके सिंपल जाएंगे हम प्लेन में, ठीक है। एक सिंपल प्लेन लेकर आएंगे, उसका स्केल हम कर देंगे छोटा। जब हम जाएंगे एडिट मोड में, जाके हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे। यहाँ से ए प्रेस करके सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे और एम प्रेस करके इसको एट सेंटर कर देंगे। इसको एक्सट्रूड करेंगे और अपनी शेप के हिसाब से रफली इसको प्लेस कर देंगे। ये जो इसमें कर्व आ रहा है, इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही रफ तरीके से इसको प्लेस किया है और सिंपल हम वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर रहे हैं और इनको रफली प्लेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। तो आप ये देखें हमारे पास एक रफ शेप आ गई है, ठीक है। अब हम सिंपली एक मॉडिफायर यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्क्रू मॉडिफायर। अब आप ये देख सकते हैं शेप हमारी कुछ इस तरह से आ रही है। इसको सिंपली हम वाई एक्सिस में रोटेट कर देंगे। ये देखें हमारे पास एक सर्कुलर रीजन आ गया है। ठीक है, अब इसको हम आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी जगहों से परफेक्टली अलाइन नहीं है, ठीक है। इसको अलाइन करने के लिए हम सिंपल ये करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करेंगे। इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आपने नहीं ऐड करने, जितने रिक्वायर्ड हैं उतने ऐड करने हैं। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये नॉर्मल्स का इशू आ रहा है, ठीक है। आपने जाना है यहाँ नॉर्मल्स में, यहाँ पर प्रेस करना है कैलकुलेट ऑर्डर में। सिंपली आपने से कंट्रोल शिफ्ट बी सिलेक्ट करके बेवल करना है और ये देखें जितने हमारे पास वर्टेक्स होंगे उतनी हमारे पास एक स्मूथ शेप आएगी।
ये देखें इस तरह से हम इसको बेवल करते जाएंगे। अच्छा, अगर आपने वर्टेक्स की वैल्यूज बढ़ानी है तो आप सिंपली स्क्रोल बार को अप एंड डाउन मूव करेंगे, तो उससे अप करेंगे तो वर्टेक्स काउंट बढ़ेगा और लो करेंगे तो वर्टेक्स काउंट कम होगा। हमारे पास एक ये शेप आ चुकी है, अब सिंपली हमने इस मॉडिफायर को अप्लाई करना है। हमें इसका वायर फ्रेम देखेंगे तो ये देखें हमारे पास जिधर हमारे कर्व्स आ रहे थे, जिधर पॉइंट ज़्यादा थे उधर उसने टोपोलॉजी ज़्यादा कर दी है। आप देखेंगे इस टेक्निक से हमारे पास टोपोलॉजी कितनी अच्छी आती है। तो ये सबसे ज़्यादा बेटर तरीका है एक स्फेरिकल एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मॉडल करने का। इसी तरह जो हमारे पास दूसरे पीसीज होते हैं वो आप मॉडल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे दिखा सकते हैं। फाइनल टचेस देने के लिए हम सिंपल जाते हैं शेडिंग व्यूपोर्ट में और ये हमारा जो रेफरेंस साइज को हम ऑफ करते हैं। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे जो चेस पीसीज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, हम इसको ब्लैक कलर का बनाते हैं। हम सिंपली जाएंगे मटेरियल में और यहाँ से बेस कलर इसका ब्लैक कर देंगे। इसको दे देते हैं थोड़ा सा स्पेकुलर वैल्यू और इसमें दे देते हैं मेटेलिक वैल्यू, फिर रफनेस वैल्यू दे देते हैं ताकि इसमें शाइन आ जाए। ये देखें इसका टोपोलॉजी फ्लो इतना अच्छा है कि इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन हैं वो कितनी परफेक्ट आ रही हैं। सिंपल हम इसको कर लेते हैं रेंडर। अब सिंपली रेंडर करने के लिए हम इसको एक बेस दे देते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, प्लेन ऐड करेंगे, चेस पीस को हम रोटेट कर लेते हैं, कि बेस को हम स्केल अप कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं एक न्यू चीज़ बताने लगा हूँ आपको। ब्लेंडर के अंदर हमारे पास होती है शेडर एडिटर की ऑप्शन, ठीक है। शेडर एडिटर में हम जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास प्रिंसिपल BSDF है और मटेरियल आउटपुट है, ठीक है। आप सिंपली प्रेस करेंगे शिफ्ट ए, यहाँ से सर्च करेंगे टेक्सचर और यहाँ पे आपने ढूंढना है चेकर टेक्सचर, ठीक है। सिंपली इस कलर नोड को आप बेस कलर में दे देंगे और ये देखें आपके पास एक चेकर टेक्सचर आ गया। इसका स्केल हम एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओवर पीस। इसका कलर हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा, तो भी थोड़ी सी रफनेस दे देते हैं। इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। इसको आप जो भी कलर चाहें वो दे सकते हैं, मैं वाइट और ब्लैक ही रखूंगा। सिंपल एक कैमरा ऐड कर लेते हैं सीन में, शिफ्ट ए प्रेस करके हम जाते हैं कैमरे पे।
अगर आप अपने बैकग्राउंड को कैमरा रेंडर में ट्रांसपेरेंट शो कराना चाहते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फिल्म की, फिल्म में जाके हमने इसको ट्रांसपेरेंट चेक कर देना है और इस तरह से बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ साइकिल्स में। अब हम जाएंगे रेंडर व्यू पोर्ट में। ये देखें हमारा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। अब मैं इधर एक लाइट ऐड कर देता हूँ। ग्लॉसीनेस थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। हम जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से हम इसके सैंपल काउंट्स कम कर देते हैं, थोड़ी नॉइज़ कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल हम इसका एक रेंडर निकाल लेते हैं। और ये हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।